अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं डीप लर्निंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीप लर्निंग है क्या, डीप लर्निंग की हिस्ट्री क्या है, ऐसे क्या वजूहात थी जो हम डीप लर्निंग पे मूव हुए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीप लर्निंग नेटवर्क्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, हम आज इन सारी चीज़ों का ओवरव्यू देखने वाले हैं। डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग की टेक्निक है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को टीच करवाते हैं, लर्न करवाते हैं कोई भी चीज़ ऑन द बेसिस ऑफ इवन डेटा एज वेल, जो कि हम करते हैं। अब डीप लर्निंग निकली कहाँ से? हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्पेसिफिक फील्ड है जिसका सब पार्ट है मशीन लर्निंग, जिसकी सब फील्ड है हमारे पास डीप लर्निंग। AI में हमारे पास मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग दोनों इंक्लूड होते हैं, जिसका मतलब हम मशीन्स के साथ और रोबोट्स के साथ खेलते हैं। मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें, वहाँ पे हमारे पास रोबोट्स भी होते हैं और ह्यूमन की इंटरैक्टिविटी भी होती है, क्योंकि फीचर सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन होती है, या हम उसे एज एन इनपुट फीचर सिलेक्शन भी देते हैं। डीप लर्निंग इज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। हम कंप्यूटर को कोई भी चीज़ पढ़ाएं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन्स जो कि हमारे दिमाग में होते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड न्यूरॉन्स, उसके बेसिस पे हम कंप्यूटर को कोई भी चीज़ पढ़ाएं, उसे हम कहते हैं डीप लर्निंग। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो वो बहुत ही रिच है और ये बहुत ही पुरानी है। अगर हम देखें इसकी हिस्ट्री 1940 से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट एलन ट्यूरिंग ने मशीन बनाई ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, जो कि कुछ कोड्स को डिकोड कर सकती है। देन हमारे पास फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क बना विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स एंड एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि हम आगे देखेंगे कि एक्टिवेशन फंक्शन होता क्या है। देन ड्यूरिंग 1960s टू 1980 फर्स्ट हमारे पास फॉरवर्ड एक्टिविटी एंड बैकवर्ड एक्टिविटी हुई, कि न्यूरल नेटवर्क्स में फॉरवर्ड प्रोपगेशन एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन कैसे होती है। अगर हम उसके बाद की बात करें तो डिफरेंट गेम्स बनाई गई जिसको कंप्यूटर के थ्रू खिलवाया गया, और ऐसे भी हो चुका है कि उसके थ्रू वर्ल्ड चैंपियंस को भी हराया गया। अगर हम आगे की बात करें कि रीज़न क्या था कि हम डीप लर्निंग की तरफ मूव हुए, तो उसके तीन रीजंस थे। फर्स्ट इमेज क्लासिफिकेशन, सेकंड NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो हम नेचुरली बोलते हैं वो हम कंप्यूटर को डायरेक्टली कैसे अंडरस्टैंड करवाएं, उसके लिए हम डीप लर्निंग की तरफ मूव हुए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। अब ऐसी कौन सी एडवांटेज है डीप लर्निंग में जो कि मशीन लर्निंग में नहीं है, जो कि हम डीप लर्निंग की तरफ मूव हुए? एज वी नो, इट इज़ ऑलरेडी सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, पर अगर हम इसमें देखें, मशीन लर्निंग में हमारे पास एक इनपुट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये हमारा ह्यूमंस का ही काम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फीचर एक्सट्रैक्टेड, वो क्लासीफाई करके हमें बता देता है कि ये कार है या नहीं है। डीप लर्निंग की वजह से हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमने इनपुट दिया, फीचर एक्सट्रैक्शन और क्लासीफिकेशन दोनों कंप्यूटर खुद ही करेगा, मशीन खुद ही करेगी, और फिर हमें खुद ही बताएगी कि कार है या नहीं है। तो हमारे पास एक स्टेप कम हो गया फीचर एक्सट्रैक्शन वाला। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर है बिल्डिंग ब्लॉक्स, कौन से हैं किसी भी न्यूरल नेटवर्क के। तो पहले बात स्टार्ट होती है न्यूरॉन से। न्यूरॉन क्या होता है? अगर हम देखें, न्यूरॉन हमारे एक किसी भी ह्यूमन के ब्रेन में होता है, जिसके इनपुट्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंड्राइट्स होता है, और वो न्यूरॉन एक बॉडी सेल के अंदर होता है। उसके बाद अगर हम इस नेटवर्क को देखें, इसके इनपुट ऑन द बेसिस ऑफ डेंड्राइट्स हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्रिएटेड है ऑन द बेसिस ऑफ सेल बॉडी, जो कि आगे जा रहा है एक्टिवेशन फंक्शन के पास, वो ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स हमें बताएगा कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। अगर हम ह्यूमन के न्यूरॉन्स की बात करें तो थोड़े से वो डिफरेंट होते हैं, उसमें एक्सॉन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, पर हम फर्दर उसमें नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क की। न्यूरल नेटवर्क है क्या? न्यूरल नेटवर्क कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है। मल्टीपल न्यूरॉन्स मिलकर एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। एक नेटवर्क बनाना
उनके बीच में कनेक्शन होना, उसे हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। अगर हम नीचे देखें, ये एक न्यूरल नेटवर्क है जिसमें हमारे पास इनपुट लेयर है, उसके बाद हमारे पास हिडन लेयर्स हैं। हिडन लेयर्स में हम वेट्स एंड बायसेस को देखते हैं। वेट्स एंड बायसेस क्या होते हैं ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद वो वेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दोज वेट्स एंड बायसेस, हमारे पास आउटपुट में आउटपुट लेयर होती है, जैसे हमें पता चलता है कि हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए। फॉर एन इंस्टेंस, हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें ड्रॉन है वन। वो जो वन है वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और अलग अलग न्यूरॉन में पेस्टेड होगा। अगर उसकी शेप उन न्यूरॉन से मिलती है तो अकॉर्डिंग टू दैट वो उस न्यूरॉन में जाते जाएंगे और फिर आखिर में उसी आउटपुट में जाएंगे। आगे चल के हम देखते हैं कि थर्ड पार्ट है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं? बेसिक जो हमारे पास टाइप्स होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के, वो तीन होते हैं, ANN, CNN। CNN ये न्यूज चैनल नहीं है, यह है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, एंड RNN। ANN क्या होता है? ANN है हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियली जो न्यूरॉन्स क्रिएटेड हैं उनका नेटवर्क, उनकी इनपुट लेयर, उनकी हिडन लेयर और उनकी आउटपुट लेयर, जो कि हमारे पास सिंपल एक न्यूरल नेटवर्क में होती है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। अगर हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे? कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास फीचर मैप्स, पूल्ड फीचर मैप्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है और फुली कनेक्टेड लेयर्स का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब फीचर मैप्स क्या होते हैं? फीचर एक्सट्रैक्शन जो होती है, आपको पता है कि इसमें ऑटोमेटिक होती है, वो कौन करता है? वो हमारे पास फीचर मैप्स करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पूल्ड फीचर मैप्स जो होते हैं हमारे पास, जिसको हम पूलिंग लेयर भी बोलते हैं अलग से, वो क्या करती है? वो उन फीचर्स में से जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं सिर्फ उनको निकालती है। क्यों? क्योंकि फिर हमारे पास कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी का भी इशू आ सकता है इस वजह से। कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी क्या होता है? मल्टीपल फीचर्स जब हमारे पास आ जाते हैं तो हमारा जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो हमारे आउटपुट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसीलिए हमारे पास फिर पूलिंग लेयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर हमारे पास फुली कनेक्टेड लेयर होती है, जो कि उन सब लेयर्स को एक दूसरे के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन हमें एग्जैक्ट फीचर्स बताती है और उसके बेसिस पे एक्टिवेशन फंक्शन हमें आउटपुट बताता है। अगर हम बात करें लास्ट जो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क है उसकी, RNN, तो वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, वो एक साइकिल में ही चलता रहेगा जब तक उसे एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलता। आप अगर यहाँ पे इसको देखें तो इसकी साइकिल इसके साथ ही कनेक्टेड है, वो बार 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 एक ही साइकिल में मूव करते करते अपने वेट्स एंड बायसेस को चेंज करके एग्जैक्ट आउटपुट हमें बताता है। ये मल्टीपल हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ऑटो एनकोडर्स, परसेप्ट्रॉन, फीड फॉरवर्ड, RNNs, डीप फीड फॉरवर्ड्स, ये हम आगे चल के हर एक को पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लेयर्स की, जो कि लेयर्स हम पढ़ के आए हैं। हमारे पास सिंपल लेयर्स कौन सी होती हैं? एक तो इनपुट लेयर होती है जिसमें हम इनपुट देते हैं, दूसरी जैसे कि ये एक इमेज है, ये हम इसे इनपुट दे रहे हैं, और दूसरी होती है आउटपुट लेयर जिससे हमें आउटपुट पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एज अगर हम कार का एग्जाम्पल, कार की इमेज एज एन इनपुट दे रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा? इमेज है कार, इमेज में कार थी या नहीं थी, कार नॉट कार, ये हमारे हो गए आउटपुट लेयर। अगर हम हिडन लेयर्स की बात करें तो वो होती हैं ऑन द टेक आउट एंड एग्जैक्ट आउटपुट, कि इसका आउटपुट क्या है ऑन द बेसिस ऑफ उसके व्हील्स, ऑन द बेसिस ऑफ उसकी जो लाइट्स होती हैं, फ्रंट ग्लास, मल्टीपल चीज़ें उसमें पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं हिडन लेयर्स में। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बताते हैं कि ये कार है या नहीं है। यहाँ पे ये जो पिक्चर लगी हुई है, ये लगी हुई है CNN की, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कॉन्वोल्यूशन आ जाता है लेयर और पूलिंग लेयर आ जाता है। कॉन्वोल्यूशन लेयर फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है, जो पूलिंग लेयर है वो सिर्फ मेन फीचर्स जो हमारे पास हैं सिर्फ वो हमें निकाल के बता देता है। इसके साथ प्लस रिलो जो है वो हमारा एक्टिवेशन लेयर है, जो कि इसकी हेल्प करता है
फीचर एक्सट्रैक्शन के टाइम भी और आगे भी। जब हमारे पास पूलिंग कंप्लीट हो गई, ये हमारी हो गई फीचर लर्निंग, फीचर एक्सट्रैक्शन हमारी पूरी हो गई, फिर आ जाती है हमारे पास क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई करें कि ये क्या है। फिर हमारे पास आ जाती है फ्लैटन लेयर। फ्लैटन लेयर क्या करती है, जो मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क्स की लेयर्स हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास मल्टीपल मैट्रिसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल 3x3 या 4x4, उसे अगर एक सिंगुलर लेयर में लेकर जाना है तो हम फ्लैटन एक फंक्शन यूज करते हैं। उससे क्या होता है, वो एक ही लेयर सिंपल लेयर में आ जाती है। अगर हम उसके बाद की बात करें तो हमारे पास फुली कनेक्टेड लेयर है जो कि सब न्यूरॉन्स को कनेक्टेड रखती है और एग्जैक्ट फीचर्स हमें निकाल के देती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सॉफ्टमैक्स। सॉफ्टमैक्स एक हमारे पास हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है। ये क्या है और सॉफ्टमैक्स ही हमने क्यों यूज किया, ये हम आगे चल के बात करेंगे। अब है हमारे पास फिफ्थ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन आप नाम से ही बता सकते हैं, फॉरवर्ड जाना और बैकवर्ड आना। फॉरवर्ड जाना और बैकवर्ड आना ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। अगर हमने इसको इनपुट दिया है 1, तो ये इसमें जितने भी न्यूरॉन्स होंगे ये सिर्फ 1 वाले सेलेक्ट करेगा, जिसमें 1 का पार्ट डिवाइडेड होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये आखिर में आके हमें बताएगा कि 1 है। इसमें फॉरवर्ड एक्टिविटी और बैकवर्ड एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए ईपॉक्सिस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इटरेशंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कितनी इटरेशंस ये लेगा। वो कॉन्सेप्ट है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट ईपॉक्सिस का, जिसे हम आगे देखेंगे। फर्स्ट हमें अपना कॉन्सेप्ट देखना है ग्रेडियंट डिसेंट का, ग्लोबल मिनिमा और लोकल मिनिमा। अगर हमारे पास एक 3D प्लॉट है, उसमें से हमें स्टीपेस्ट पॉइंट निकालनी है, तो उसे ढूंढने के लिए हमें मल्टीपल इटरेशंस करनी पड़ेंगी। इस कॉन्सेप्ट को या इस स्टीपेस्ट पॉइंट को ढूंढने के कॉन्सेप्ट को हम ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कर्व है, इसमें जो ग्लोबल मिनिमम है वो ये है। अगर हम 3D ग्राफ की बात करें इसमें, तो इसका इसे यहाँ से लेकर मूव होते होते यहाँ तक आना है, तो इसे मल्टीपल इटरेशंस भी लगेंगी। और ऐसे भी हो सकता है कि हम यहाँ पर ही आकर रुक जाएं, ये भी हमारे ईपॉक्सिस इटरेशंस पे डिपेंड करता है कि हमारे वेट्स और बायसेस क्या थे जो हम वहाँ पर रुक गए, ये ज़्यादा डीप जा सकता था या नहीं जा सकता था। ये हमारे पास मोस्टली लर्निंग के टाइम पे मसले आते हैं जब हम न्यूरल नेटवर्क्स में काम करते हैं। उसके बाद इसके टाइप्स हैं कि कौन कौन से ग्रेडियंट डिसेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है एडम, जो डिफ़ॉल्ट भी हम यूज़ करते हैं। ये एक एग्जांपल है कि हमने ईपॉक्सिस एक्स एक्सिस पे हमारी ईपॉक्सिस है कि नंबर ऑफ ईपॉक्सिस हमने कितने यूज़ किए, 0 से लेकर 250 तक, और वाई एक्सिस पे हमारा ट्रेनिंग एरर है। ये ट्रेनिंग एरर जितना कम होगा उतना अच्छा है हमारे लिए। हमारे पास स्टोकास्टिक भी होता है, बैच बेस्ड भी होता है, मिनी बैच बेस्ड भी होता है। मोस्टली प्रेफर्ड हमारा एडम डिफॉल्ट यूज होता है, पर कहीं कहीं पे स्टोकास्टिक भी यूज होता है। अब हमारे पास बात आ गई एक्टिवेशन फंक्शंस की, कि रिलो, सॉफ्टमैक्स ये था क्या। अगर हम रिलो की बात करें तो रिलो सिर्फ पॉजिटिव एक्सेस में वर्क करता है। इसके पास जब भी फीचर एक्सट्रैक्शन के टाइम नेगेटिव वैल्यूज आती हैं तो वो उनको जीरो कर देता है। अगर हम लीकी रिलो की बात करें तो लीकी रिलो जो है वो वाई, अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सेस में भी देखें तो बिल्कुल ही -1 या -2 तक जाता है। उससे नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो उसको वहां पर ही रख देता है। अगर हम 10H की बात करें तो 10H एक अच्छा फंक्शन है जिसको हम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव एक्सेस एज वेल एज नेगेटिव एक्सेस में भी। बाइनरी स्टेप फंक्शन की बात करें, जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी देखा था, तो इसकी वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं हमेशा, 1 -1 to 1 इसके बीच में, और वो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0.1।
तो 0.1 से लेकर 1 के बीच में ही इसकी वैल्यूज होती हैं, उससे नीचे नहीं जा सकती। अगर हम लीनियर की ग्राफ कर लीनियर की बात करें तो वो सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस में ही अच्छा काम करता है। ऐसा ही हमारे पास डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, सिग्मोइड भी है हमारे पास फंक्शन, और सॉफ्टमैक्स, बेस्ट ऑफ देम ऑल सॉफ्टमैक्स है, जो कि पॉजिटिव में भी और नेगेटिव वे भी दोनों में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है इपॉक्सिस का, जिनकी मैं बात कर रहा था। इपॉक्सिस क्या होते हैं? इपॉक्सिस होते हैं नंबर ऑफ इटरेशंस। जैसे हम लूप्स में इटरेशंस का नंबर डिफाइन करते हैं कि इतनी इटरेशंस होनी चाहिए, वैसे ही इपॉक्सिस है हमारे पास कि नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी होनी चाहिए ओवरऑल एक न्यूरल नेटवर्क में। इसके ही बेसिस पर हम लोकल या ग्लोबल वैल्यू फाइंड करते हैं, इसके ही बेसिस पर वेट्स एंड बायसेस चूज होते हैं, इसके ही बेसिस पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपगेशन भी चूज होती है। अगर हम इसकी बात करें जिस मॉडल की ये एक्यूरेसी बता रहा है, तो आप देखें टेस्ट एक्यूरेसी बार बार ऊपर और नीचे हो रही है। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ वेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, लोकल वैल्यू, बायसेस, जो भी इसमें वेट्स एंड बायसेस हैं उसके बेसिस पे ये डिफाइंड होती है। ट्रेनिंग हमारी हमेशा स्मूथली हो जाती है, मसला हमेशा टेस्टिंग में होता है। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, एक हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनाया है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि ये कितना इजी है, जो हमने सारी चीजें अभी पढ़ के आए हैं वो कितनी ईजी है वाइल इम्प्लीमेंटेशन। हम इनिशियलाइज कर रहे हैं पहले तो एक CNN नेटवर्क को, उसके बाद एक कॉन्वोल्यूशन लेयर बनाई जा रही है, conv2d फंक्शन हमारे पास है उसके बेसिस में वो बनती है, और उसमें हमने जो एक्टिवेशन फंक्शन लगाया है वो है हमारे पास रिलो। उसकी इनपुट शेप डिफाइंड है यहाँ पे 50x50 and 3, और उसमें कितने न्यूरॉन्स वगैरह होने चाहिए वो सब कुछ हमारे डिफाइंड है। अगर हम पूलिंग लेयर की बात करें, मैक्स पूलिंग 2d जो है हमारे पास, उसकी पूल साइज कितनी होनी चाहिए, 2.2। फिर से हमने सेकंड कॉन्वोल्यूशनल लेयर बनाई है और एक उसके साथ पूलिंग लेयर बनाई है। फ्लैटन फंक्शन हमने यूज किया है, जो कि क्या करता है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, फ्लैटन फंक्शन का काम क्या है। उसके बाद फुली कनेक्टेड डेंस लेयर्स हमने बनाई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने ऑप्टिमाइजर बताया है। ऑप्टिमाइजर कौन सा? ग्रेडियंट डिसेंट एडम, जिसकी हम बात कर रहे थे। उसके बाद हमने लॉस बताया है, लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी के बेसिस पे यूज होना चाहिए। उसके बाद हमने मैट्राइसेस डिफाइन किए कि मैट्राइसेस में हमें एक्यूरेसी पता चले, MSE पता चले, या व्हाटसोएवर जो भी हमारी जरूरत होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसे डिफाइन करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। अल्लाह ने के बाद।